Afternoon to all of you. स्वागत है सभी का आपके अपनी फैमिली में टीचर्स अदा पे अदर 24/7 प्लेटफॉर्म पे. मेरा नाम है निधि अरोरा. क्या हाल चाल है सारे स्टूडेंट के फटाफट से बता देंगे जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी. चलिए थैंक यू सो मच राज. हेलो हाय तमन्ना शिखा हाय बता हाउ आई लाइक इट बेटा. कोई बात नहीं इट्स ओके. इट डजंट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि हमारी जो फोकस है टॉपिक को लेकर कि वो कितनी है ना. बैकग्राउंड ब्लैक अच्छा लग रहा है. इस पर लिखी हुई चीज है ब्लैक एंड व्हाइट सब अच्छी लगेगी. टीचर के हेयर ब्लैक है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. एडजेक्टिव ही बन गया ना एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए. चलिए स्टार्ट करें हम लोग आज का टॉपिक. जल्दी जल्दी बताएंगे. फ्रेजल वर्ब्स तो नहीं है. पुराने टॉपिक पुराने पन्नों को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है चर्चा करनी है उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. कल मैं आप लोग का प्रैक्टिस लूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के. तो आज मेरे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लीजिए ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब्स पढ़ा था. क्या किसी को कोई डाउट है एडवर्ब्स को लेकर के बताओ जल्दी जल्दी से. कोई डाउट कोई भी डाउट. मैम आपका आज जीएस क्लास में बहुत तारीफ. हाउ स्वीट थैंक यू सो मच. तुम लोग बहुत अच्छे हो. आपके नोट सेल्फ बनाते हो क्या जी. मुझे भी चाहिए. चिरंजीव जी अच्छा रजिया से पूछ रहे हो. जैसे हुकुम हो आपका कोई दिक्कत नहीं है. पक्का सारे के सारे स्टूडेंट्स बता देंगे क्या एडवर्ब्स में कोई प्रॉब्लम है. आज की जो क्लास है वो कंजंक्शंस पर आधारित है. कंजंक्शंस बताएंगे. पढ़े कंजंक्शंस पढ़े. जो भी स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि मैम रूल्स जो है ग्रामर के वो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे. कुछ रूल्स मैं पढ़ा देती हूँ. कुछ रूल्स आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमारा अलग से टॉपिक है उसमें पढ़ लोगे इवेंचुअली. सो डोंट वरी. ये रूल्स बार बार आपको देखने मिलेंगे. और ग्रामर जो है ना बेसिकली थैंक यू. ग्रामर जो है ना एक छप्पन भोग की तरह होती है जिसमें आपके पास राइस भी है ब्रेड्स भी है मिक्स वेज भी है एक लिक्विड सब्जी भी है दाल मखनी भी है डिजर्ट भी है पापड़ भी है सैलड भी है अचार भी है ठीक है सब कुछ है रायता भी है. तो आप एक के बिना दूसरा अधूरा है. ये सब इंटरलिंक्ड है टॉपिक्स तो कहीं ना कहीं आपको रास्ते में मिलते ही रहेंगे ये सारे टॉपिक्स. तो उसकी चिंता मत करो आप. हर एक टॉपिक को शुरू से पढ़ेंगे. घेवर भी है. गुड आफ्टरनून नहीं लिया सबका ले लिया स्टडी लवर. चलिए कंजंक्शंस पढ़ते हैं. क्या होते हैं कंजंक्शंस इसको पढ़ लो. थम्स अप दे दीजिए प्लीज अगर तैयार हो तो. एक वर्ड सुना होगा आपने जंक्शन. जंक्शन क्या होता है. ट्रेन जंक्शन पर रुकी है ठीक है. जंक्शन आ गया बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन है वो ठीक है. किसी बीच के पॉइंट पर रुकी है उसका हॉल्ट हो गया जंक्शन स्टेशन ठीक है. मैंने बोला यहां पर केम छे. मैंने बोला राज likes pizza ठीक है. दूसरा सेंटेंस मैंने बोला चिरंजीव likes pasta. दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं
इस फुल स्टॉप को हटाकर मैं कुछ कंजंक्शन लगाना चाहती हूँ। इसका हिंदी में नाम होता है संबंध बोधक। दो वाक्यों, दो शब्दों या दो शब्दांशों या दो वाक्यांशों के बीच में जो रिश्ता बनाए और उसको एक बनाए, यूनिफाइड वर्जन दे, यूनिफिकेशन दे, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है मैम, आपसे ही पढ़ने के लिए मैंने क्लास लिया है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे। थैंक यू सपना, दैट इज सो जेनरस ऑफ यू। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आज इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए द मोमेंट है, ये मेरे लिए इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये तारीफ मेरी नहीं है, ये आप लोगों की है कि आप मेरी क्लास में आए और आपने भरोसा किया मुझ पर। दैट्स ऑल वॉट मैटर्स टू मी। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत मीन करता है और मैं दावे के साथ कहती हूँ, हर एक बच्चा जो मुझ पर विश्वास रखता है या नहीं भी रखता है पर इस क्लास में है, तो उसका रिजल्ट मैं निकालूंगी, मैं निकलवाऊंगी उसका रिजल्ट, और मैं बार बार पास होंगी, मैं एक भी बार फेल नहीं होंगी अगर आप डेली मेरी क्लास में आते हैं तो। ठीक है, जॉइनिंग वर्ड्स हैं ये। ठीक है, राज लाइक्स पिज्जा एंड चिरंजीव लाइक्स पास्ता बट चिरंजीव लाइक्स पास्ता। ठीक है, वेयर एज चिरंजीव लाइक्स पास्ता, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें जोड़ के। पक्का रश्मि, पक्का। चलिए पढ़े एक बार। जॉइनिंग लेटर नहीं होता, लैटर होता है। आप आपके साथ आइसक्रीम खानी है हमें तो बिल्कुल आइसक्रीम खाएंगे, पूरी पार्टी करेंगे। बिल्कुल रजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप जो क्लास में पढ़ाते हो वही पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बस उसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं है, मेरे क्लास के नोट्स मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए देखिए, तो ये एक जंक्शन है। राज को पिज्जा पसंद है और चिरंजीव को पास्ता, राज को पिज्जा पसंद है लेकिन चिरंजीव को पास्ता, दूसरी तरफ ऐसे करके। समझ गए ये बात हम निशा जी? तो ये कंजंक्शंस होते हैं दो शब्द के बीच में। ठीक है, जैसे पिज्जा एंड पास्ता, आई लाइक बोथ पिज्जा एंड पास्ता। ठीक है, फ्रेजेस के बीच में, जैसे कि ठीक है, मुझे पढ़ना पसंद है लेकिन उसे नफरत है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये फ्रेजेस है, तो ऐसे करके हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ये बात हम? हमें भी पिज्जा पार्टी, पास्ता पार्टी, सारी पार्टी होगी। कंजंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। आ जाओ जी, स्मिता लाइक्स स्टडी बट सीमू लाइक्स क्रिकेट, लाइक्स टू स्टडी होगा, लाइक्स टू स्टडी। अरे यार ये क्या कर दिया, रुको रुको रुको।
एक बार का जवाब दो मुझे फटाफट से, फलाना ढिमकाना। सुनो एक बात का जवाब दो, क्लॉजेस की क्लासेस किस किसने पढ़ी थी? जब सेंटेंसेस पढ़ाया था उसमें क्लॉजेस का बेसिक इंट्रोडक्शन किस किसने लिया था मेरी क्लास में, बताइए। क्लॉजेस, मेन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, किस किसने पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताएंगे। चलो चलो नूर नूर नूर, लेट्स फोकस। सबने पढ़ा था, वेरी गुड। विपुल जी आप शुरू से क्लासेस देखना कब शुरू करेंगे? नहीं देखा सपना ने भी, कंचन ने भी नहीं देखा, अनीता प्रीति ने भी नहीं, मैंने तो नहीं। चलिए आधे आधे स्टूडेंट्स लग रहे हैं, आधों ने अटेंड किया था आधों ने नहीं किया। एक बार क्लॉजेस वाली क्लास देख लेना, मैं तुम्हें बता देती हूँ। एक छोटा सा रेफरेंस है, ठीक है? क्लॉजेस होते क्या है? वो वाक्य जिनमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, बस इतना। जैसे कि आई लाइक, शी रीड्स, ठीक है, दे स्टडी, दे लिसन, ऐसे ऐसे करके सब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं ये नहीं बता सकती मैं, सॉरी, ये तो शुरू से हर क्लास में पता होना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें सिर्फ ये आ जाए, ऑब्जेक्ट ना आए तो वो क्लॉज है। क्लॉजेस बेसिकली अपने पास में थे दो प्रकार के, ठीक है, किसी को याद हो तो। एक था मेन क्लॉज और दूसरा था प्रिंसिप डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज दूसरों पर आधारित था, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इस डिपेंडेंट का क्लॉज का दूसरा नाम था सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों था नाम? क्योंकि ये लगाते थे अपने साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये एक टाइप ऑफ कंजंक्शन है। कंजंक्शंस के टाइप भले मत जानो पर वो होते कौन कौन से ये जरूर जान लो, ठीक है। मेन क्लॉज को हम कहते थे प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं इसको याद करते हैं। पहले तो कंजंक्शन क्या होते हैं इसको ये जानो, ठीक है। ये बेसिकली वर्ड होते हैं जो कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को, और ये रिलेशनशिप दोनों के बीच का ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज पहला टाइप है हमारे क्लॉज कंजंक्शन में। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स कुछ देख लो, एक एग्जाम्पल दो तीन टाइप्स में आ सकता है, उसको पूरे राइट्स हैं। जैसे एंड, और, बट, लेकिन, फॉर, के लिए। जैसे कि आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस फॉर आई वॉज अनवेल। फॉर मतलब एक कारण दे रहा है, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि मैं बीमार थी, ठीक है। नीदर राम नॉर श्याम हैज कम टू द क्लासरूम, ऐसे करके। बट लेकिन होता है, अदरवाइज होता है, अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज, ऐसे करके, मतलब कुछ उल्टा मत लो। एल्स, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, ठीक है। ऑल्सो, शी केम टू द क्लास ऑल्सो, या शी ऑल्सो कम्स टू द क्लास। इधर निभा और सुषमा इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, दोनों में से एक सवाल पूछने वाले हैं। नीदर नॉर तो बता ही दिया, ये कुछ चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। शी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड मेट्स द डॉक्टर। ब्रेक एंड ड्रैगन आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिव कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है इसके भी दो टाइप होते हैं। इंग्लिश, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बीपीएससी पीजीटी सीएस में, जो आपका जनरल इंग्लिश है उन्हीं में ही आएगा, श्वेता पाल, ठीक है। जनरल इंग्लिश वालों के लिए, जिनका इंग्लिश नहीं है ना स्पेशलाइजेशन में, उनको सिर्फ 25 नंबर के लिए इंग्लिश पढ़ना है। जिनका स्पेशलाइजेशन है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, उनको काफी और पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं, काफी और पढ़ना है। क्योंकि ये मान के चलो कि आपका मैक्सिमम पोर्शन आपको ग्रामर का मिलेगा, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं पक्का पक्का कह सकती हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ग्रामर के हैं। ग्रामर को बिल्कुल अदरवाइज मत लेना, ठीक है, लाइटली मत लेना। बता दिया पंकज, बता दिया। नेक्स्ट देखिए, क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन, इनको हम पेयर कंजंक्शंस कहते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना कि सिर्फ ये बल्कि ये भी। बोथ एंड, एक साथ आते हैं, पेयर कंजंक्शन है। जैसे बोथ कुंदन एंड नूर लाइक टू स्टडी इंग्लिश। बोथ कुंदन एंड नूर, दो सब्जेक्ट्स एक एक से साथ लगेंगे, ठीक है। हमेशा जब भी लगाओ नॉट ओनली बट ऑल्सो, सब्जेक्ट नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर टू,
बोथ के साथ भी सब्जेक्ट नंबर वन एंड के साथ सब्जेक्ट नंबर टू, ठीक है, एज वेल एज के साथ आप टू लगाते हो, जैसे कि मिनी एज वेल एज हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स, ठीक है, या आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स मिनी एज वेल एज हर पेरेंट्स वर हैप्पी टू, या हर पेरेंट्स टू वर हैप्पी, ऐसे करके, समझ गए? शी इज नॉट ओनली अ टीचर बट अ मॉडल ऑल्सो, ओ माई गॉड, चलिए बढ़िया बढ़िया, चलिए। अच्छा, आज आपको पता है आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और इंटरनेशनल योगा डे है, डू यू गाइज नो इट? सो हैप्पी हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू गाइज। थैंक यू, चलिए आगे चले। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव मतलब या तो दोनों ही, दोनों में से एक या दोनों में से कोई भी नहीं, अदरवाइज एल्स, ये ऑल्टरनेटिव मतलब ये नहीं तो वो, मैं नहीं तो कौन बे वाली बात है इसमें, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है तो कंफ्यूज हूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ूँ, कौन सा छोड़ूँ। श्वेता, जो आज तक के शुरुआत के 15-20 क्लासेस है ना, उन्हें डेफिनेटली पढ़ो, बिल्कुल किसी भी कॉस्ट पे मत छोड़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ओरिजिनेशन भाषा का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सो किसी भी कॉस्ट पे मत छोड़ना जो अभी पढ़ा रही हूँ, या जो शुरू से अभी तक पढ़ा है वो मत छोड़ना, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ही इज गुड नीदर एट गेम्स नॉर एट स्टडीज, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, समझ गए ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब आ जाता है एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन, मैं कहीं नहीं पूछूंगी आपसे कौन सा टाइप का कंजंक्शन है, ना ही एग्जामिनर पूछेगा, you only need to find out what these conjunctions are, how many of these conjunctions exist per se, theek hai, only if only I knew the result I would have prepared better, theek hai, however hota hai isiliye, but still lekin fir bhi, theek hai, yet tab bhi, whereas dusri taraf, nevertheless, never mind, farak nahi padta hai, theek hai, He was angry, but she kept quiet. He hates me, yet I love her. फिर भी ये वो वाले वाक्य हैं जो हम लगाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में, यू नो वॉट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये कंजंक्शन लग जाए तो हम इसे एक अलग एंटिटी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको साथ में ही लगाएंगे, जब भी ऐसे कंजंक्शंस वाक्य में दिख जाए तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, प्रिंसिपल क्लॉज में लगाते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, बोलो क्लियर है? ओनली, हाउएवर, बट स्टिल, येट, व्हेयरएज, या नेवरदलेस, ठीक है, चलिए विशाल जी, टीजीटी हो जाएगा बिल्कुल, क्लासेस से हो जाएगा, और कोई देखो ये मेरी बात नहीं है, एक नॉर्मल इंसान कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा बेटा मेरी क्लास तो कम पड़ जाएगी, आप खुद एनालाइज करो मेरे मटेरियल से, मेरे पढ़ाए हुए तरीके से, कि क्या आपको भरोसा है, क्योंकि आप कुछ सोच समझ के आए हो मेरी क्लास में, ठीक है, मुझे आप पर आपसे ज्यादा भरोसा है, आपको खुद पर है, ये डिसाइड कर लो, आपको जितना भरोसा है I+1 मेरा आप पर भरोसा है, कितना है आपको डिसाइड कर लो। EMRS का बैच अभी आ रहा है हमारा, जून एंड में आ रहा है। इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं देयरफॉर, इसीलिए, हेंस, कंक्लूजन निकालता है, सो, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर, ये देखे देखे नहीं लग रहे कंजंक्शन, बताना जरा, हाय स्विति, अब यार देखो बातें नहीं करो, ठीक है, यहाँ हम आए हैं एक उद्देश्य के साथ, यूनिफाइड, एक फैमिली हमने बनाई है, किस कारणवश, सबका एक ही उद्देश्य है, एग्जाम क्वालिफाई करना, और सीटें बहुत है, 1,70,000, तुम सबको सीट मिल जाएगी, तुम्हें आपस में कंपटीशन में लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सबकी सीट है, इतनी सीट है बीपीएससी वालों के पास अभी। मैम, आई एम फ्रॉम पीजीटी इंग्लिश, हमारे सिलेबस में
एडवांस इंग्लिश है आपके सिलेबस में, यही इंग्लिश है। पागल बनाने की टेक्निक होती है ये, एडवांस इंटरमीडिएट मॉडर्न न्यू कंटेम्प्रेरी कुछ नहीं है, जो है वो यही है। ग्रामर किसी के लिए भी चेंज नहीं होती, चाहे एडवांस लेवल वाला हो, चाहे इंटरमीडिएट, चाहे बेसिक। और मैं जीरो से हीरो बनाती हूँ कोई भी स्तर का बच्चा हो। तो ये सारी बातें जो है ना, पैसे हड़पने की टेक्निक, अपना अटेंशन ग्रैब करने की टेक्निक, ये मेरी क्लास में नहीं चलता। बहुत सादे तरीके से पढ़ाती हूँ, सिंपल, छोटे बच्चों को समझ में आ जाए ऐसा। कहाँ देखा था ये? एडवर्ब में देखा था, है ना? कौन सा एडवर्ब था? एडवर्ब ऑफ रीजन, परिणाम मिलता था उसमें, कारण क्या है, देयरफॉर, हेंस। पर ये कंजंक्शन भी है, याद रखना, पोजिशनिंग पर डिपेंड करता है। यही वर्ड्स अगर वर्ब के पहले मिल जाए, एडजेक्टिव के पहले मिल जाए, या दूसरे एडवर्ब के पहले मिल जाए विशेषता बताते हुए, तो एडवर्ब। यही वर्ड्स बीच में कहीं मिल जाए, वाक्य के, शब्दों के, नाउन के बीच में मिल जाए, तो वो हो जाएगा कंजंक्शन। समझ गए? चलिए ये बात याद रखना, समझ में आई बात तो चमका लो, वरना मत चमका। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम याद करते हैं फैन बॉयज से, एक टेक्निक है फैन बॉयज। कोई बताना चाहेगा क्या होता है ये फैन बॉयज? या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी ऐसे याद कर सकते हो फैन बॉयज से, फॉर एंड नॉट बट और येट, और ऐसे फैन बॉयज, ऐसे स्टिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी दिखा रही हूँ, अभी दिखा रही हूँ। सो स्टिल नहीं, सो, वेरी गुड रूबी, सो फैन बॉयज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आ जाता है टाइम, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, कारण दे दिया, इफ, अनदर, दो, टिल, ऐसे करके कुछ आ गया। चलो मैं आपको अब कुछ रैंडमली कंजंक्शंस दे रही हूँ, अगर आपको उनका हिंदी में मतलब पता है तो आप आंसर बता दोगे। ये मेरी समझ है, बहुत बेसिक समझ है ये, ठीक है? जितने भी कंजंक्शंस मुझे पता है, मैं उसके थ्रू आपको थोड़ी सी थियोरी बता रही हूँ, बिना टाइप के सिर्फ एग्जाम्पल्स बोलूंगी। बोलो, क्लियर है? जल्दी बताओ। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, वार्म अप कर लो तब तक तुम थोड़ा। कल आपकी प्रैक्टिस होगी, पहले याद दिला रही हूँ। नहीं आता टाइप, नहीं आता एग्जाम में, तभी तो मैं कर नहीं करवा रही। एक सेकेंड एटसेट्रा।
सबसे पहला कंजंक्शन, ये देखो, ऑल दो हिंदी में मीनिंग बता रही हूं, दो या इवन दो या एज दो, क्या मतलब है इन सब के? कौन बताना चाहेगा बताओ? बहुत आराम आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सिलेबस एक दो टॉपिक भले पीछे रह जाए पर टाइमली पढ़ो। वेरी गुड स्वीटी, वेरी गुड, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। मैम क्या ये क्लास टीजीटी के लिए है? बिल्कुल, टीजीटी पीजीटी जनरल पेपर सबके लिए है, पीआरटी के लिए भी है। इन सभी का मतलब होता है हालांकि, कुछ भी लगा सकते हो आप, कुछ भी, इन सभी का एक ही मतलब है, यद्यपि नहीं हालांकि। चलिए दूसरी बात करते हैं, इसका क्या मतलब है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए विवेक कुमार। शायद इसका मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। चलिए ये बताएंगे सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, इवेंचुअली, ग्रेजुअली, कब यूज होता है ये, कब यूज होता है? अभी ग्रुप लिंक कर देते हैं। हाय अनिकेत, लगातार ये सब रिजल्ट्स बताते हैं, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। अच्छा एक होता है देयरफॉर, हाउएवर, हेंस, हेंसफोर्थ, देयर आफ्टर, ये सब किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होगा? वेरी गुड, इसीलिए रीजन। ठीक है कुछ पेयर कंजंक्शंस देख लेते हैं। एक होता है बोथ एंड, ठीक है, सो दैट, सच एज दैट,
सच दैट, ठीक है, नीदर नॉर ईदर और एज वेल एज टू, आप कुछ एडिशनल बता रही हूँ. वेरी गुड स्वेति, वेरी गुड. वेरी गुड. एक आ जाएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो होगा आपके बेसिक. दोनों ये और ये, वो इतना सुंदर है कि या शी सो ब्यूटिफुल दैट द मून विल गेट फेडेड इन फ्रंट ऑफ हर, दैट शी सच अ ग्रेट सिंगर दैट शी विल फेल सुनिधि चौहान, ऐसे करके. Neither A nor B, either A or B. ठीक है, Razia as well as her parents too. ठीक है, not only I was asking but also I was understanding, ऐसे करके. यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट बताइए. चलिए नेक्स्ट, आप कुछ बता रही हूं जो आपको पता होना चाहिए, वो होगा ये. जब भी लगे नो सूनर, इनका मतलब होता है ज्यों ही ऐसे हुआ त्यों ही वैसे हो गया. तो जितनी जल्दी, नो सूनर हैड आई, नो सूनर डिड आई, तो उसके साथ जो पैर कंजंक्शन लगेगा वो दैन, दैन लगेगा, THAN दैन कंपैरिजन वाला, क्योंकि सूनर है इसलिए. पैर कंजंक्शन है, ये इसके साथ नहीं लगेगा पर पैर में लगेगा, ये साथ में रहेंगे हमेशा. ठीक है, अच्छा एक आ जाता है स्केसली हार्डली बेरली, ये वर्ड सुने थे आप लोगों ने, नेगेटिव वर्ड्स थे एडवर्ब्स में, एडवर्ब ऑफ नेगेशन मतलब मसा मसा, कि स्केसली मुश्किल से ऐसा हुआ ही था, हार्डली हुआ ही था, बेरली आई बेरली नो हर, ऐसे करके. इसके साथ आप लगाओगे देन, THEN देन, क्या लगाओगे, देन या वेन, ये लगाओगे when, scarcely hardly या फिर barely के साथ when लगाओगे. और जब भी लगाओ as soon as तो आप लगाओ comma, simple comma. ठीक है, ये बात बोलो क्लियर है. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के लिए. चलिए अब आ जाता है फैन बॉयज, इसको समझेंगे. ठीक है, टाइप समझेंगे और फिर क्वेश्चन समझेंगे. यहां तक जिस जिसको क्लियर है बता दो, फिर मैं क्वेश्चंस पुट कर रही हूँ. ठीक है मिनी कुमारी, नहीं नोट्स नहीं बनाने, मैं अपने हाथों से बना के सब कुछ दे देती हूँ. ये बताओ क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है? बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, कई बार जब जरूरत होती है तो जल्दी भी पढ़ लेते हैं, पर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, 4% सीट अदर स्टेट, नहीं इतना नहीं सोचना है, आप ही लोगों के लिए है जो है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मजा. क्या कंफ्यूजन है कंचन जी? चलिए कंचन जी की एक बार वो
ग्रीवेंस सुन लेते हैं। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, 1 मिनट का टाइम दे दो बस मुझे। चलो आप लोगों के ग्रुप में देखना एक बार, बीपीएससी वाला जो ग्रुप है, एक पीडीएफ आएगा उसको खोलो। ये जो बीपीएससी वाला ग्रुप है मैं अटैच कर रही हूँ, हैंड आउट पहले ले लिया करो टाइम से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और ग्रेट कॉम्बिनेशन बने। यहाँ देखो हैंड आउट आया, ये इसको खोल रहे हैं अभी हम, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला जो हैंड आउट अभी तक मैंने बनाया, क्या उसमें कोई दिक्कत? दो तीन तरीके से हैंड आउट देती हूँ मैं हर क्लास में, अच्छे से पढ़ लिया करो उसको। ठीक है, कंजंक्शंस का हैंड आउट आ गया। ये तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप है, हिचकी आ गई, सब आ गया। ये रहा हैंड आउट, इस क्लास में भी लो भाई। क्लास चल रही है या नहीं चल रही है? इंटरनेट प्रॉब्लम है, इंटरनेट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे भी बहुत धीरे धीरे मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे भी ड्रॉप हो गए सारे। गाइस अभी लाइव आ रही है ना, बस
या नहीं आ रही है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हम? इफ छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है भाई। पानी पी लो, पानी नहीं है भाई यहाँ पे। हाँ खुल गया, थैंक यू। हो गया हो गया हो गया, इंटरनेट प्रॉब्लम सॉर्टेड। जल्दी देखेंगे सवाल नंबर पहला। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी डैश आई वॉज फीलिंग टायर्ड। मैं पार्टी जाना चाहती थी या चाहता था, कौन टायर्ड था? हाँ, बट आई वॉज फीलिंग टायर्ड, लेकिन मैं टायर्ड फील कर रही थी। नेक्स्ट देखो, शी स्टडीड हार्ड डैश शी कुड पास द एग्जाम। उसने हार्ड वर्क किया डैश शी कुड पास द एग्जाम, बट एंड सो या और क्या लगाओगे? वेरी गुड, एंड शी कुड पास, नहीं कुड का मतलब होता है वो पास कर सके एग्जाम, जिससे कि, तो उसने हार्ड वर्क करा जिससे कि वो पास हो सके, और वो पास हो सके नहीं जिससे कि, रिजल्ट सो मैटर्स। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक टू रीड बुक्स डैश वॉच मूवीज। ठीक है, आई लाइक टू रीड बुक्स बट वॉच मूवीज, एंड वॉच मूवीज सो वॉच मूवीज और वॉच मूवीज। बहुत इजी है श्वेता पाल, वेरी गुड। एंड बुक्स और पढ़ना पसंद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही डिडंट हैव मनी डैश ही कुड नॉट बाय द न्यू फोन, बट एंड सो या और। ही डिडंट हैव मनी लेकिन वो नहीं खरीद, और वो नहीं खरीद सकता, सो इसीलिए वो नहीं खरीद सकता था, सो ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो आपको बट एंड सो और तो समझ में आ ही गया। वैसे वुड यू लाइक टी डैश कॉफी, वुड यू लाइक टी और कॉफी, या तो टी या कॉफी। आप ये नहीं सोचेंगे मैम इधर नहीं आया तो और नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, शी इज टायर्ड डैश शी विल स्टिल गो टू द पार्टी। शी इज टायर्ड येट शी विल स्टिल, येट नहीं बट शी विल स्टिल गो टू द पार्टी, बट लेकिन वो फिर भी पार्टी में जाएगी, ठीक है। चलिए, चलिए अब कुछ नए सवाल करते हैं। एंड बट और वाले तो हम कर ही लेंगे, इसमें तो कोई चीज था ही नहीं। अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ, ये आता है अंटिल और अनलेस, क्या है ये अंटिल और अनलेस? एक होता है टिल, ये भी एक प्रकार के कंजंक्शंस है, राइट? हाँ, अनटिल और अनलेस मतलब कंडीशन होती है जब तक ये ना हो जाए, ठीक है। टिल भी होता है जब तक, ये एक पॉजिटिव वर्ड है कि टिल द टाइम शी कम्स, लेकिन अनटिल या अनलेस यू, ये एक नेगेटिव वर्ड्स हैं, दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। अनटिल यू वर्क हार्ड यू शैल नॉट पास, नेगेटिव परिणाम मिलेगा। हाँ देखो, अंटिल और अनलेस के साथ नॉट सेम ही सेंटेंस में नहीं लगाते, अगले सेंटेंस में लगा सकते हो, जैसे कि अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत से पढ़ोगे नहीं, यू विल या यू शैल नॉट पास। या तो ये बोल दो कि तुम पास नहीं होगे, पर आप यहां इसके साथ नहीं लगा सकते, अनलेस यू डू नॉट स्टडी हार्ड, यू डू नॉट नहीं लगा सकते। सो अनलेस यू स्टडी हार्ड यू शैल नॉट पास, या फिर यू शैल फेल, यहां पे भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी।
या तो नेगेटिव सेंस दिखा दो या नेगेटिव नेक्स्ट में बता दो, ठीक है, क्यों खुद नेगेटिव है, राइट? तो ये लोग तो तुम ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे, एंड बट और सो इसके बीच का तो तुम्हें फर्क पता चल ही गया है, आई एम अज्यूमिंग दिस, ठीक है? इसको होमवर्क में निपटा देना फटाफट से, रूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने तुम्हें बताया वही देख लो। एक होता है सिंस वाइल, ये भी टाइम बताता है। देखो सिंस बिकॉज और फॉर और एज, दोनों का मतलब होता है क्योंकि, लिख लेना इसको कहीं, ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है। चलिए अब ये कुछ रूल्स हैं, इसके रूल्स से पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। नहीं कर पाएंगे आज क्वेश्चंस। विच कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट, छोड़ो आंसर साथ में ही लिखे हुए हैं इसलिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल करेंगे, कल करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हैंड आउट अटैच कर दिया, आप लोगों को भी दे दिया, लाइव क्लास में एक बार फिर से दे देती हूँ। पर हमने काफी कुछ समझ लिया कंजंक्शंस के बारे में, समझना जरूरी था क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स में काम आते हैं कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस। तो तीन जगह हैंड आउट शेयर कर चुकी हूँ, एक लाइव क्लास में, एक रिकॉर्डेड क्लास में, एक टेलीग्राम में। एक मैं हैंड आउट क्लास में अपने हाथों से नोट्स बनाती हूँ, एक प्रिंटेबल होते हैं और उसी के साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। कैसी लगी आज की क्लास ये बताएंगे। हाउ डिड यू गाइज लाइक द क्लास? हाँ देखो शिखा सिंह जी कह रही हैं फीडबैक दिया करो, तुम्हें हिचकी में भी पढ़ाया है, ठीक है, पानी पी सकती थी डेफिनेटली, बट उसमें टाइम वेस्ट हो जाता आने जाने में और क्वेश्चंस हमने तब तक नहीं किए थे, तो वो दम, वो जो जान और जो डेडिकेशन आपको मुझ में दिखता है ना, अगर कुछ नहीं कर सको तो अपने लिए प्रेरित हो सकते हो बस, ठीक है, और मुझे फीडबैक दे सकते हो डेली बेसिस पे, ताकि मुझे और एनर्जी आए, मोटिवेशन आए और एक जील आए तुमको डेली पढ़ाने की। सो इफ यू डिड लाइक द क्लास, थैंक यू, मेरा उद्देश्य वहीं पूरा हो जाता है अगर आपको बात चमक गई, आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम लिंक बना हुआ है, लगता है मैम चोरी चोरी चिपके चिपके अच्छा सुनो लिंक मैं भेज देती हूँ, एक सेकंड का टाइम दो, एक सेकंड बस, अभी जाना नहीं है किसी को भी, इस घर के दरवाजे टीचर के साथ ही बंद होंगे। यार ये एप्लीकेशन चल ही नहीं रही है, मैं टेलीग्राम लिंक कैसे ही यूज करवाऊं? आप देख लो बीपीएससी पीआरटी इंग्लिश बाय निधि मैम, और एडमिन से मेरा निवेदन है कि मेरे फोटो वोटो लगा दे ताकि स्टूडेंट्स पहचान पाए। अच्छा लगा दी, बहुत सुंदर लगाई है, सॉरी मैं तो बताने ही भूल गई, बहुत अच्छी फोटो लगा रखी है स्टूडेंट ने, तो ये ग्रुप दिख जाएगा आपको, ठीक है, थैंक यू, ऑफिशियल ग्रुप है हमारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। डी ट्रिपल एस बी वालों ने नहीं लगा रखी शायद, या सी टेक वालों ने नहीं लगा रखी, थैंक यू सो मच। चलिए एक चीज याद रखना, अभी जाऊंगी तो सेशन को फीडबैक देना मत भूलना, दैट शैल बी रियली इंसाइटफुल एंड वैल्यूएबल टू मी। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहो ऐसे, ठीक है, हिचकिचाना नहीं है, हिचकी भले ही आ जाए, बाय।